से एक ताज़ा मुद्दा के एक बड़े मतलब सोचा है जब भी गिल्टी महसूस हो है और भाई दम को टह इसी बात सुन के चरखी दादरी में एक वायरल होया दो बुजुर्ग दंपत्ति अपने ताऊ ताई ने समझ को हो वो सुसाइड कराया और सुसाइड नोट भी आपने वो सारी चीज़ें तो सर्च करिए होंगी पढ़ी होंगी देखी होंगी क्या बोलोगे उस पर। जो अमीर आदमी जिसके पास पैसा आ गया पैसे के कारण वो इतना एटीट्यूड इतने घमंड में हो जाता है वो अपने माता पिता को भी भूल जाता है। आपको एक बात बता देता हूँ हरियाणा के अंदर अगर ग्रामीण एरिया में गाँव के अंदर अगर आप जाओगे गांव के अंदर आज भी संस्कृति जीवित है। अपने काका ताऊ दादा तो राम राम करके चल रहे हैं अपने बाप ने छोड़ दो को दूसरे तीसरे पन्ने का भी आदमी होगा गलत कर रहा होगा वो भी मुंह पर थप्पड़ मार देगा बालक का के कर रहा है। यह शर्म आज भी बरकरार है लेकिन यह शर्म बरकरार है सिर्फ और सिर्फ जो गरीब आदमी है सिर्फ और सिर्फ जो मीडियम परिवार मध्यम परिवार जिसको हम बोलते हैं और जो रिच फैमिली हो जाती जो ऊपर के परिवार हैं जैसे जिन्होंने सुसाइड किया आपको ये भी पता होगा वो शायद IAS थे। अच्छा उनका जो लड़का शायद वो भी IAS है। अब इस देश का नहीं इस युवा पीढ़ी का यूथ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो अमीर आदमी पैसे ढूंढने के चक्कर में आदर मान सम्मान भूल गया। हनुमान की मूर्ति आगे शिवजी की मूर्ति आगे शनि महाराज की मूर्ति आगे जाके माथा टेक देंगे हे भगवान मेरे तक मैं दिए घर में जो असली का भगवान इस पृथ्वी पर अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है वो मार बाप हैं जिन्होंने आपको जन्म दे के यहाँ भेज दिया तो आपका फर्ज बनता है जीते जागते माँ बाप की सेवा कर लो। झूठी मूर्तियाँ आगे जोत लगाए तो मुद्दा लोटे तो कोई फायदा नहीं हो। आपने देखा होगा वृद्ध आश्रम के अंदर जाओगे भरे पड़े हैं दुनिया भर के बुजुर्ग रोते पाओगे उन तक अगर बात करोगे तेरा छोरा के क्रिया कर वे बताओगे मेरा छोरा अफसर है तेरा छोरा के क्रिया करे 2.5 करोड़ के मेरा 25 की लेते मन्ना नाम करा दिया लात मार गया मैं हिता दिया ये हालात हो रहे हैं। सच्चाई ये है आपके माता पिता जब आपको छोटे से लेके पढ़ाते हैं आपको बड़ा करते हैं पालते हैं पोसते हैं वो आपका लालन पालन इसलिए करते हैं आने वाले समय में जब उनकी वृद्ध अवस्था होगी उस टाइम पर आप उन्हें ठीकड़े दे सको और जब ठीकड़े देने की हिम्मत नहीं है तो भाई मेरे तो यो है कहना इसी औलाद के गीठी में गुट्ठा दे दो क्योंकि वो आगे तो खून भी देगी तुमने इस तरह बढ़िया अपना दुखी हो लो। डायरेक्ट उस परिवार को क्या कहना चाहोगे? उस परिवार को मैं ये कहना चाहूँगा पैसे के साथ साथ थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करो पैसा ही सब कुछ नहीं है। अब एक बीमारी आई थी कोरोना अच्छे अच्छे पैसे आएगी कांच काट दी लास्ट ठानिया भी नहीं था कोई कितना बड़ा प्रकृति के जो यहाँ जितने भी आदमी रहते सबके मुंह पर तमाचा था वो अब पैसा है सब कुछ नहीं है। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कार दें अपने बच्चों को इज्जत मान सम्मान करनी सिखाएं अपने बच्चों को छोटे बड़ों की इज्जत करनी सिखाएं अपने बच्चों को एक मैं ये कहता हूँ जो अनपढ़ आदमी होता है ना आज के टाइम आप देख लेना अनपढ़ आदमी बैठ कर बाथरूम करेगा और पढ़ा लिखा खड़ा हो गए तो इससे अच्छे ज्ञानी विद्वानी तो अनपढ़ आदमी है क्योंकि वे कड्ढे ओढ़ हैं उन्हें समाज का बेरा और जो ज्यादा पढ़ ले हैं ना ज्यादा पढ़ने के बाद भी समाज ना भूल जाए हवा में उड़न लग जाए तन्ने बाने तो बाहर लिकट जाए जमीन की हकीकत को भूल जाते हैं जमीन की हकीकत से जुड़े रहे माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता उनकी सेवा करें जी। तो भाई ये अपना भाई हरस छकारा हमारे साथ जुड़ा था प्रसिद्ध समाज सेवी है आजकल तो युवा दिलों की धड़कन हो रहा भाई क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बार दिखाइए भाई घुमा के ये भीड़ बड़े बड़े सेलिब्रिटी इकट्ठी नहीं कर पाते और ये साथी एक बीस के साथ आया होगा जब यह भीड़ नहीं है हमारा परिवार हमारे काका ताऊ इन नगा आशीर्वाद इन नगे हर जगह होती है इन नगा ही देन है इन नगा प्यार प्रेम है ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। तो भाई एक बार फिर मैं मेरा साथी भाई बड़ा भाई है डम्बल फौजी इनसे ही शुरुआत करी थी हरस भाई एंड भी नहीं से यो वो आदमी है दम्मल फौजी नाम है लगभग 50 साल के लगभग इनकी उम्र होली फौज की ड्यूटी कर कार्या है भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी जो टाइगर हिल पर पाकिस्तान का कब्जा था ना वो जिसके सारे दांत टूट गए थे सारा यो हिस्सा पाट गया था चौगर जाकर गोले बरसन लाग रहे थे उस टाइम पे यो आदमी जाग उड़ बैठा था टाइगर हिल पर अगर भाई मारा कब्जा हो गया पहला आदमी यो था ऊपर जान वाला। तो भाई देखिए आपकी वजह से अमर ये सारे जितने खड़े हैं ये पूरा देश आप जैसे फौजियों की वजह से सुख की चैन की सांस ले पावा हां सैल्यूट है भाई भाई खून दे लिया 115 बार रक्तदान कर चुका है लगभग 5 लाख आदमी आ तो खून दवा चुका है हिंदुस्तान के अंदर जिस टाइम आदमी सुई लवान तटरिया थे उस टाइम ये कैंप लगा के लोग बताया कर तेरा डरो मत जितना खून कटवाओगे थारी बीमारी दूर होगी उतना थारा फायदा होगा। तो परेशानी एक दिन भी कमजोरी महसूस हुई है
इंजन बंद है, जैसे गाड़ी का इंजन बनता है ना, ऐसे शरीर का इंजन बंद है। कोई भी आदमी होई है 50 साल के मुंह पल्ला लिया, 33 साल में कुछ भी कोने खून देड़ के फादे हैं ये, नुकसान नहीं है। आप खून दोगे ना किसी को, और वहाँ जो जैसे अभी बोलते हैं भाई अच्छा काम करे आर एस सिकारा, वहाँ भी कोई ना कोई मिलता है, और वो कहता है अपने हमारे बच्चे की, हमारे माँ की, हमारे बाप की, अपने किसी की जान बचा दी, और वो जो खुशी आती है ना उससे आदमी का तो उम्र मतलब 2-4 साल और बढ़ लेगी। मैं आपको बताता हूँ इस अर्श किस लिए अपने काम कर रहे हैं, मैं किस लिए काम अपना काम कर रहा हूँ। हम जब उधर थे कारगिल के अंदर, तो वो वहाँ बम पड़ते थे मोटे मोटे, और वहाँ हर दिन कोई ना कोई मरता था। हमारा साथी मेरी 19-8 है, पूछ सकते हो आप, हमने एक पोस्ट भी ली है उन पाकिस्तान की, जिसका नाम 50-70 है। तो वहाँ डेली 1-2 आदमी मर जाता था, और डेली ये होता था भाई आज मरेंगे, तो जो धरती पर चला गया वो चला ही गया। मैंने उस दिन वहाँ पर ऐसी कसम खाई थी, अगर हम यहाँ से जिंदा वापस चले गए तो ये शरीर को समाज को दान कर देंगे। काफ़ी पत्रकार साथी और बाट देखने लाग रहे हैं, कड़े कड़े लखान लाग रहे हैं भाई, घना है टाइम ले लिया मैंने। देखिए भाई, वीडियो बनाना हमारा काम है, लेकिन जब सही जगह सही टाइम होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और भाई मेरी आदत से मैं पूरी बात सुना रू हरस, राम राम भाई, बढ़िया लग गया। और पूरे मारा गांव का तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि देखिए मन बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सच्चाई है ये, और इस गांव का बार बार धन्यवाद कराएंगे जीवन भर हम तो याद रखाएं। हमारे लिए तो वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है, और आपका भी धन्यवाद आपने यहाँ के हमारे को इतना समय दिया। अपना गांव है मारा, मोखरा गांव से ही निवास है मारा गांव का, तो मेरा अपना गांव है मारा, यहाँ आकर उतनी ताकत महसूस हुई थी जितनी मोखरा गांव में होती है। पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद। दम्मल फौजी को एक बार हाथ फिर मिला लेते हैं भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। राम राम भाई को, दर्शकों को भी, सारे भाइयों ने राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।